हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू गाइस एब्सोल्युटली फाइन दोस्तों। और आज प्रियंका बना रही है क्रिस्पी जो कचौड़ी होती है, उसकी स्टफिंग डालेंगे हम उसमें। जो चने की दाल रहती है उसकी स्टफिंग डाल के हम क्रिस्पी कचौड़ी बनाएंगे। देखिए इजी प्रोसीजर में हम उसको कैसे बनाते हैं, चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, आप जो ये देख रहे हैं ये है चने की दाल। आज हम क्रिस्पी कचौड़ी बनाएंगे, वो भी देसी स्टाइल में। इसके बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमने 80% जो ये हमारी दाल है इसको हमने उबाल लिया था। पहले हमने इसको भिगो के रखा था 2 घंटे के लगभग, और उसके बाद हमने इसको उस पानी में डाल दिया था। और 80% ऐसे डन हो जाएगी हैं, और फिर हम इसको बाहर निकाल देंगे ताकि इस टाइप की छन्नी में, जैसे इसमें ये जो ये आपको दिख रहा होगा बर्तन, ये छन्नी है, यानी कि जो उसका मॉइस्चर है वो नीचे की साइड रिलीज हो जाए, ताकि जब हम स्टफिंग भरें तो हमारा पराठे की स्टफिंग यानी कि कचौड़ी की स्टफिंग बाहर ना निकले। और ये मथनी है गाइज, इसको देसी भाषा में मथनी बोलते हैं, जिससे हम मथ रहे हैं, इससे हम अपने गांव में साग वगैरह घमते हैं। तो हमने इसमें ग्रीन चिली और अनियंस चॉप्स ये मिक्सी में को निकाल के, ये देसी टाइप की मिक्सी रहती है जो नॉर्मल सभी घर में यूज़ करते हैं विदाउट इलेक्ट्रॉनिक, तो हमने इसमें ये डाल ली थी। और उसके बाद हमने होम मेड एक सीक्रेट मसाला बनाया था जो बहुत ही अच्छा रहता है, ये गाइज आप देख रहे होंगे। इसमें हमने धनिया और जीरा और ब्लैक पेपर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और 1-2 लौंग, वो हमने इसमें डाली थी ताकि मसाले की खुशबू बहुत अच्छी है। रोस्टेड मसाले हैं गाइज ये, हमने इसको दरदरा कूट लिया था। और फिर एज़ यूजुअल जैसे नॉर्मल सब मसाले रहते हैं, इसमें हल्दी नहीं जाएगी, लेकिन इसमें थोड़ा रेड चिली पाउडर जाएगा। टेस्ट टू अकॉर्डिंग आप रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं, वैसे आप रेड चिली पाउडर की जगह पेपर भी ऐड कर सकते हैं, ब्लैक पेपर थोड़ा ज़्यादा, वैसे मैंने उस मसाले में भी डाला था लेकिन वो मैंने बहुत कम डाला था। और टेस्ट टू अकॉर्डिंग आप गाइस इसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, सॉल्ट कुछ पहले ही ऐड रहता है आटे में भी। तो ये आप देख रहे होंगे अभी जो मसाला डाला वो होममेड गरम मसाला रहता है। हम जितने भी मसाले बनाते हैं वो घर पर ही बनाते हैं, मतलब जो गरम गरम मसाला बनाते हैं जितने भी रहते हैं हमारे, लेकिन अदरवाइज जैसे कुछ नॉर्मल मसाले रहते हैं तो वो हम मार्केट से लेके आते हैं। और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी स्टफिंग जो है अच्छे से निखर कर आए सामने। और इस स्टफिंग को तैयार हो जाने के बाद आप इसको थोड़ा छोड़ दीजिए 10 से 20 मिनट के लिए, ताकि जो उसका जो थोड़ा और टाइटपन सा उसमें आ जाए। और जैसे ये हमारी मिक्स हो गई थी, और अब हम काम करेंगे वुड फायर पे, यानी के चूल्हे पे। चूल्हे का टेस्ट गाइस बहुत ही उमदा रहता है, बहुत ही मस्त रहता है, चूल्हे की आंच पर बहुत ही क्रिस्पी बनती है। जैसे आप देख रहे होंगे कई बार हम कुकर को उल्टा करके तंदूरी पराठा बनाने की या कुछ पराठा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उतना निखर के नहीं आता है, उतना क्रिस्पीपन उसमें नहीं आता है। तो अब हमने जो ये आप देख रहे होंगे, ये जो हमने एक पेड़ी ली थी और इसको हमने इस मशीन में पुश कर लिया था, ये पूरी बेलने की मशीन रहती है देसी भाषा में, इसको पूरी बेलने की मशीन रहती है, अदरवाइज मुझे इसको पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। और जैसे हमारी ये स्टफिंग है इसको हमने इसमें रख लिया था। और इस सबसे मेन प्रोसीजर ये है, देखिए गाइस इसको हम किस तरीके से बंद करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको अच्छे से बंद नहीं करेंगे, और आटा हमारा ऑलरेडी थोड़ा सा लूज है क्योंकि हमने सॉल्ट डाला था, क्योंकि सॉल्ट डालने के बाद जो थोड़ा वाटर रिलीज करता है जो व्हीट फ्लोर रहता है, यानी कि जो गेहूं का आटा रहता है। और अब इसको हम थोड़ा तेल लगाया और हमने, और फिर हम जो ये मशीन है इससे हम थोड़ा सा पुश करेंगे और फिर बाहर निकाल लेंगे। और फिर एज़ यूजल जैसे ही हम रोटी बनाते हैं हल्के हल्के हाथ से दबाएँगे इसके किनारे, ताकि ये थोड़ी और फैल जाए। ज़्यादा मोटी नहीं रखेंगे तो थोड़ी बारीकी रखेंगे, क्योंकि इसमें हमें क्रिस्पी नस लानी है, क्रिस्पी नस लाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और देखिए गाइज ये हमारी रेडी हो चुकी है, और अब ये जाने के लिए तैयार है मस्टर्ड ऑयल में। गाइज ये जो मस्टर्ड ऑयल है, हमने होममेड मस्टर्ड ऑयल लिया है, घर का मस्टर्ड ऑयल है हमारा। और आप इसको जब गोल्डन हो जाए तब इसको बाहर निकाल लें, डीप फ्राई करनी है पूरी। नॉर्मल सी बात है गाइस, जब कचौड़ी बना रहे हैं तो डीप ही फ्राई होगी। और आप साथ साथ इसके, मैं आपको बता दूं, आप इसके साथ चटनी के साथ इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं, जैसे कि
तीन चार हमने लाल मिर्च ले ली है साबुत, मिक्सी में डाल ली, और एक टमाटर और एक कली लहसुन की उसका पेस्ट बना के, और जो हमारी दही रहेगी उसमें उस चटनी को डाल के, इसका टेस्ट बहुत ही उम्दा आता है। देखिए गाइज कितनी क्रिस्पी और क्रंची हमारी ये जो कचौड़ी बनी है। वैसे कुछ जगह हमारे यहाँ पे तो पूरी बोलते हैं, लेकिन जब मैं लखनऊ में रहता था तब वहाँ पे इसको कचौड़ी बोलते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग भाषाओं का यूज़ होता है। आप भी घर पर इस रेसिपी को ट्राई करिए, और कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट्स का हमें गाइज इंतज़ार रहेगा। सो गाइज आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है तो प्लीज़ यार कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताना, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे। तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन नमस्कार।